पकड़ा गया 700 किलोग्राम गौमांस से भरा टेम्पो। राजधानी दिल्ली में गौकशी करना और गौमांस बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कारोबारी चोरी छिपे जहां एक तरफ गौकशी को अंजाम दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ तस्करी कर गौमांस को राष्ट्रीय राजधानी में मंगवा भी रहे हैं। ताज़ा मामला बुधवार का है जब ग्रेटर कैलाश इलाके में एक टेम्पो में 10-12 बॉक्स में लगभग 700 किलोग्राम गौमांस बरामद किया गया जिसे गौरक्षक दल के सदस्यों ने पकड़ा था। वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे को दी मंजूरी। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एएसआई के सर्वे को मंजूरी दे दी है। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई सर्वे को मंजूरी मिली है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वजू टैंक को लेकर जिसे सील कर दिया गया है ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एएसआई इस सर्वे की रिपोर्ट जिला जज को 4 अगस्त को देगा। मैं मामा महाराज नहीं एक सेवक हूं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, ऐसे में कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर में जनाक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी के अलावा कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को जमकर घेरा। इसके साथ ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि ना तो मैं महाराज हूँ, ना ही मैं मामा हूँ, ना ही मैं किसान का बेटा हूँ। मैं साधारण परिवार से हूँ और एक सेवक हूँ। चीनी नागरिक को जासूसी के संदेह में एसएसबी ने किया गिरफ्तार। भारत नेपाल का पानी टंकी सीमा से एसएसबी के 41वीं बटालियन के जवानों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते समय चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इस दौरान उसके पास से भारतीय मुद्रा 6,330 रुपये और नेपाली मुद्रा 46,860 रुपये भी जब्त किए गए हैं। पकड़े गए चीनी नागरिक का नाम 39 वर्षीय पेंग योंगजिन बताया जा रहा है। चीनी नागरिक पेंग योंगजिन ने नेपाली पासपोर्ट और नागरिकता पहचान पत्र दिखाया जिसके सहारे वह भारत में प्रवेश करता, लेकिन एसएसबी जवानों ने उस पासपोर्ट की जाँच की तो वह फर्जी निकला। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत कैसे हुई? जिला प्रशासन ने गुरुवार की रात एक बयान जारी कर कहा कि बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत की सटीक वजह का पता लगाने के लिए संस्थान की ओर से मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था। विस्तृत विश्लेषण के बाद बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि मौत दिल की बीमारी और उससे संबंधित अन्य जटिलताएं के कारण हुई थी। बयान में यह भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि सिंह दोपहर 1:22 से 1:27 के बीच छज्जूबाग इलाके में बेहोश हुए, जबकि लाठीचार्ज की घटना डाक बंगला क्रॉसिंग इलाके में हुई। वहीं इस मामले में बीजेपी ने मामले की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच की मांग की है। चाइनीज माजे से बच्ची की मौत के बाद कार्रवाई। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त में अभी 26 दिन का समय बचा है, लेकिन अभी से ही दिल्ली के आसमान में पतंगे उड़ान भरने लगी हैं। पतंगों में ज्यादातर चाइनीज माजे का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली के पश्चिम बिहार वेस्ट थाने इलाके की बात है जहां बुधवार की शाम एक बच्ची प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 304/188 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। इस घटना के बाद कार्रवाई में बाहरी जिले की पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अवैध रूप से चाइनीज मांझा बेच रहे थे। उनके कब्जे से पुलिस ने 200 पतंग और चाइनीज मांझे के 33 रोल्स भी बरामद किए हैं। आपने दोहराई पीएम मोदी की पुरानी मांग। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मणिपुर हिंसा और महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच कहा कि हम मणिपुर में बीजेपी सरकार को हटाने और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2017 में मणिपुर के संबंध में मांग की थी। इंदौर में बदमाशों ने किया पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला। इंदौर में पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस के 2 जवानों को घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस मामले में अपराधियों की धरपकड़ कर रही है।
परदेसीपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि घायल पुलिसकर्मी का नाम रोशन यादव है। वाहनों की चेकिंग के दौरान रोशन ने एक गाड़ी को रोका, तभी उस पर सवार दोनों बदमाश ने रोशन पर चाकू से हमला कर दिया। महिला को झांसे में लेकर अकाउंट से उड़ाए लाखों रुपए। राजस्थान के भरतपुर जिले के मेवात क्षेत्र में दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से सीकरी थाना क्षेत्र के गांव ढवावली निवासी जाहिद को गिरफ्तार किया। आरोपी जाहिद ने अपने आप को आर्मी का अधिकारी बताते हुए एक महिला से उसके मकान में किराए पर रहने के लिए दिया और अपने परिवार को वहां शिफ्ट करने के नाम पर ट्रांजेक्शन के जरिए 2,84,340 रुपए ठग लिए। 593 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में। हरियाणा में मानसून इस बार अपना पूरा रंग दिखा रहा है। मौसम विभाग ने आज फिर हरियाणा के पांच जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा के 593 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। 33 शहर भी बाढ़ की चपेट में दिख रहे हैं। वहीं बाढ़ के बाद अब बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। दुष्यंत चौटाला का गठबंधन पर बड़ा बयान। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को 50% वोट मिलेगा। प्रदेश में गठबंधन मजबूती से सरकार चला रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बीच जमकर जुबानी जंग चली थी, लेकिन दो दिन पहले एनडीए की बैठक में जेजेपी के शामिल होने के बाद स्थिति साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला है। डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल का एसजीपीसी ने किया विरोध। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम 30 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं, जिसके बाद अब वो लगातार गिरते नजर आ रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राम रहीम की पैरोल का विरोध जताया है। एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने राम रहीम की पैरोल का विरोध जताते हुए कहा कि हत्या और बलात्कार जैसे मामले में सजा काट डेरा प्रमुख को फिर से 30 दिन की पैरोल देना गलत है। सरकारों की इस दोहरी नीति से सिखों में अविश्वास का माहौल पैदा हो सकता है। मणिपुर में दरिंदगी पर आदित्य ठाकरे की आई प्रतिक्रिया। मणिपुर में मैतई कुकई की हिंसक लड़ाई के बीच दो महिलाओं के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर में तनाव का माहौल है। इस मुद्दे पर देश के तमाम नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और उसकी निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सामना में छपी एक खबर के अनुसार शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वहां पर मणिपुर में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। दूसरे की डिग्री से अस्पताल में डॉक्टर बन बैठी थी युवती। सरगुजर जिले में एक डॉक्टर की डिग्री पर दूसरी युवती द्वारा नौकरी करने का मामला सामने आया है। असली डॉक्टर की डिग्री 2 साल पहले रायपुर से चोरी हो गई थी, जिसको लेकर आरोपी युवती अंबिकापुर के एक नामी निजी अस्पताल में काम करते पकड़ी गई है। फिलहाल पुलिस ने दूसरे की डिग्री में डॉक्टरी करने वाली युवती को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है, लेकिन फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली युवती पुलिस को खुद भी डॉक्टर होने का दावा कर रही है, जिसकी भी पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने की मुलाकात। हाल के दिनों में झारखंड की राजनीति में कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं जो पहले कभी नहीं दिखे। परस्पर विरोधी नेता आपस में मिल रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं और आगामी चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल झारखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और अर्जुन मुंडा की मुलाकात देश की राजधानी दिल्ली में हुई। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने झारखंड की राजनीति और पार्टी को राज्य में मजबूत करने को लेकर आधे घंटे तक मंत्रणा की। बता दें कि वर्तमान में अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री हैं। दूसरी बार खोद डाला 10,000 मीटर गहरा गड्ढा। चीन अक्सर अपने नए प्रयोग के लिए चर्चा में रहता है। एक बार फिर ड्रैगन कुछ ऐसा कर रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। दरअसल चीन ने इस बार प्राकृतिक गैस के अत्यधिक गहरे भंडार की तलाश में जमीन में 10,000 मीटर का गड्ढा खोदना शुरू कर दिया है। चाइना ने इस साल ऐसा दूसरी बार किया है। सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने गुरुवार को सिचुआन प्रांत में शेंडी चुआ के एक कुएं की ड्रिलिंग शुरू की, जिसकी डिजाइन गहराई 10,520 मीटर है। इससे पहले चीन ने 30 मई को शिनजियांग प्रांत में खुदाई का काम शुरू किया था, जिसे उस समय चीन में अब तक का सबसे गहरा कुएं के रूप में वर्णित किया गया था।
स्वीडन में दोबारा कुरान का अपमान। स्वीडन में पवित्र कुरान जलाए जाने के बाद बवाल कम होता नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को मुस्लिम बहुल देशों ने इस घटना को लेकर एक बार फिर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। कुछ जगहों पर नमाज के बाद मुस्लिमों ने प्रदर्शन भी किया। इससे पहले गुरुवार को इराक में स्वीडन के दूतावास में ही आग लगा दी गई थी। यही नहीं, इराक ने स्वीडन के राजदूत को देश से निकाल दिया है और अपने राजनयिकों को भी वापस बुला लिया है। इन सब के बीच स्वीडन ने दोबारा कुरान जलाने की अनुमति दी, जिस पर इस्लामिक देश भड़क गए। स्वीडन के इस निर्णय की निंदा करते हुए मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने कहा कि इस तरह के घृणित कृत्य से होने वाले खतरनाक परिणामों के बावजूद स्वीडिश अधिकारियों ने अनुमति देना जारी रखा है। अमेरिका में 2 साल के बच्चे का दिमाग खा गया अमीबा। अमेरिका के नेवादा में 2 साल के मासूम बच्चे की मौत नेगलेरिया फाउलेरी के संक्रमण से हुई है, जिसे आमतौर पर दिमाग खाने वाला अमीबा कहा जाता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चे के परिवार का दावा है कि झरने के पानी में खेलते समय बच्चा दिमाग खाने वाला अमीबा के संक्रमण का शिकार हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्ला की इमरान खान को धमकी। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने गुरुवार को इमरान खान को चेतावनी दी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री ने देश की गोपनीय जानकारियों के लीक होने के मामले की जांच में सहयोग नहीं दिया तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। देश की गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले को व्यापक तौर पर सिफर मामले के नाम से जाना जाता है। इंडिया हमसे 50 साल आगे है। हाल ही में भारत के गुजरात स्टेट के सूरत शहर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। इस बिल्डिंग को डायमंड बिजनेस सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका उद्घाटन नवंबर में पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसी बिल्डिंग के हवाले से पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने पाक के अवाम से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। इस पर पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि भारत आज के दौर में बहुत आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद पर ज़्यादा भरोसा है। हम भारत से इकोनॉमी के मामले या कहले हर क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। इंडिया हमसे 50 साल आगे है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।